Hello dear students, today we are going to start with the second chapter, more on MS Windows 7. In this Windows 7, we will be first talking about the operating system. So just have a glance over the operating system clip and then I will be explaining this chapter. To define formally operating system is a program that manages the computer hardware and other software एप्लीकेशंस. तो हमारे जो हार्डवेयर होते हैं सीपीयू, मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, कीबोर्ड, माउस, एम आई राइट. नाउ सी द फिगर हियर. सो हियर यू कैन सी दैट ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट एज एन इंटरमीडिएट बिटवीन द कंप्यूटर हार्डवेयर एंड कंप्यूटर यूज़र. तो ये एक बीच में आपको दिख रहा है, एक्टिंग एज अ मिडल मैन ऑपरेटिंग सिस्टम आपको दिख रहा है, एम आई राइट. बिकॉज हमारी जो यूज़र है यू कैन नॉट गिव कमांड डायरेक्टली टू सीपीयू, डायरेक्टली सीपीयू को दे सकता है क्या? हमारे राइट साइड में आपको दिख रहा है सीपीयू, या कंप्यूटर आप कह लीजिए. और इवन सीपीयू कैन नॉट डायरेक्टली टॉक टू द कंप्यूटर, यू नो, टू द यूज़र, मतलब हम. सो देयर इज़ अ मिडल में क्या होता है, कौन होता है, वो होता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, जो एक लिटरली आप कह सकते हैं एक मैनेजर की तरह एक्ट करता है या मिडल मैन की तरह एक्ट करता है, और दोनों के यू ना आपस में इंट्रैक्शन करवाता है, एम आई राइट. जो भी कमांड्स देनी है यूज़र को, कंप्यूटर को, और क्या कंप्यूटर से जो रिटर्न लेनी है, यू नो, रिप्लाई लेना है, वो कौन देखता है? ऑपरेटिंग सिस्टम. अब मैं आपको एक स्ट्रक्चर दिखाने वाली हूँ. लेट अस सी दिस, वेयर द ऑपरेटिंग सिस्टम फिट्स इन द ओवरऑल स्ट्रक्चर. यू कैन सी हियर. सो कंप्यूटर कैन बी डिवाइडेड इनटू फोर कंपोनेंट्स. बेसिकली कंप्यूटर किस में डिवाइड होता है? फोर कंपोनेंट्स में. लास्ट की जो आपको दिख रहा है एकदम बॉटम पे, वो है हमारा क्या है? हार्डवेयर. जिसमें हार्डवेयर के क्या होता है कंप्राइजेस? सीपीयू होता है हार्डवेयर में, मेमोरी होता है, अदर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होती हैं, एम आई राइट. हमें सबको पता है कि हार्डवेयर में क्या क्या आता है, एम आई राइट. सो ये सारी चीज़ें हार्डवेयर होती हैं, डिवाइसेस होती हैं. ये इनके ऊपर एक टॉप लेयर होती है जो जिसकी हम अभी बात करें, हमारा मेन फोकस है, वो है ऑपरेटिंग सिस्टम विच कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट दी यूज़ ऑफ हार्डवेयर बाय वेरियस एप्लीकेशंस. तो ये जो बीच की लेयर है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम, जो ऑपरेट करती है, जो कोऑर्डिनेट करती है, कंट्रोल करती है, ये यू नो किसके, हमारे हार्डवेयर को और उसके ऊपर की एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को. एप्लीकेशन प्रोग्राम्स क्या हैं? एप्लीकेशन प्रोग्राम्स आर सॉफ्टवेयर टूल्स और द यूटिलिटीज विच द यूज़र रन टू द कैरी आउट द टास्क. द प्रोग्राम कैन रन हार्डवेयर रिसोर्सेज थ्रू द हेल्प ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. तो हमारे ये एप्लीकेशन प्रोग्राम है, हार्डवेयर को यूज़ कर सकते हैं थ्रू द ऑपरेटिंग सिस्टम. एप्लीकेशन प्रोग्राम के एग्जाम्पल्स क्या है? आपने सबको पता है आपको, वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट, कंपाइलर, यू नो, और ब्राउज़र इवन जो आप यूज़ कर रहे हैं इस समय, ये भी एग्जांपल है. अब टॉप पर हमारे आता है जो रियल एंड जिसे हम बोलते हैं, या रियल कंप्यूटर यूज़र, वो है मैं और आप, या कोई भी यूज़र, यू नो, जो इंटरेक्ट करता है इन ऑर्डर टू गेट दैट सम टास्क टू बी परफॉर्म्ड. सो बेस्ड ऑन दिस फिगर नाउ आई थिंक ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्रूशियल रोल प्ले करता है, इट्स क्वाइट क्लियर इन द आर्किटेक्चर, यू नो, ये जो मैंने आपको दिखाया ऑपरेटिंग सिस्टम का. So, I will be continuing the chapter. Yes, so what is operating system? Operating system is a software that manages computer hardware and software resources and provides a common services for computer programs. So, it's clear now that it is managing the hardware and the your software resources. Am I right? Now, this operating system is playing a middle role here. The operating system is essential component of system software in computer system. So, it's obviously very essential, we have seen here. Application program usually require operating system functions. Today, almost every computer is using GUI, that is graphical user interface, operating system which is easier to use and operate. Yes. So, nowadays we are using GUI, that is graphical user interface. You know, you see the pictures and all, those are graphical, you see the graphics. Actually, there was previously it was used CUI, that was character user interface. But now most of the operating system are, you know, they are using the GUI technology, that is graphical user operating system are there. So we are, you know, now our operating system is managing everything that is graphical. Now operating system can be found in almost any device that contains computer, from cellular phones, video games, console to supercomputer, web servers. So almost all the devices that we are using the operating system. Most of the names you have already heard, popular operating system, you know, Android,
बीएसडी, आईओएक्स, लिनक्स, ओएस एक्स, क्यूएनएक्स, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, विंडोज फोन एटसेट्रा. सो दीज आर वेरी कॉमन नेम्स दैट यू हैव ऑलरेडी यू नो यू हैव हर्ड अबाउट इट. सो गो थ्रू दिस चैप्टर एंड इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज लेट मी नो, शेयर इन द कमेंट बॉक्स. थैंक यू वेरी मच.